नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। जगदीशपुर थाना अंतर्गत धान से लदा एक ट्रक पलटा, बाल बाल बचे, ट्रक ड्राइवर व खलासी। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट बिहार प्रभारी आफ्ताब रोशन साहब के साथ। जगदीशपुर बेतिया पश्चिम चंपारण के जगदीशपुर थाना अंतर्गत एक धान से लदा ट्रक पलट गया। ट्रक का नंबर मिटा दिया गया था, जिसके कारण ट्रक का नंबर पता नहीं चल पाया है। घटना स्थल पर किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन धान से भरा ट्रक एक गड्ढे में पलट गया। जिसे ट्रक पे धान लदा था, वो धान मालिक बबलू मिश्रा ने पत्रकारों से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। कहा कि जो भी पूछना है वो आप जगदीशपुर थाना प्रभारी से पूछिए। लेकिन बबलू मिश्रा ने बताया कि ट्रक ड्राइवर सुरक्षित है। थोड़ी देर पहले जगदीशपुर थाना आकर ट्रक ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ करने के लिए ले गई है। लेकिन दैनिक अयोध्या टाइम्स के बेतिया व बघा प्रभारी आफ्ताब रोशन साहब ने जगदीशपुर थाना प्रभारी से पूछा तो थाना प्रभारी ने बताया कि मेरे पास अभी तक कोई भी गाड़ी पलटी का सूचना नहीं है और ना ही मेरे थाने में कोई भी ड्राइवर को पकड़ा गया है। आखिर बात क्या है? जो बबलू मिश्रा ने पत्रकारों से झूठ बोला, कहा कि सारी घटना की जानकारी जगदीशपुर थाना प्रभारी देंगे। लेकिन इस घटना से जगदीशपुर थाना प्रभारी को जब आफ्ताब रोशन साहब ने अवगत कराया तो घटनास्थल पर जगदीशपुर थाना प्रभारी पहुंचकर जांच किए और फिर बेतिया और बघा प्रभारी आफ्ताब रोशन साहब को फ़ोन करके बताया कि धान से लदे ट्रक पलट गई है। ट्रक के खलासी ने बताया कि यह ट्रक बेतिया के फैयाज खान का है, जो कि बेतिया से धान लेकर पहाड़पुर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक आगे से ट्रैक्टर कुहासे में एक ही लाइट जलाकर आ रहा था। ट्रक चालक को लगा कि आगे से बाइक आ रही है और जब अचानक ट्रैक्टर सामने आया तो ड्राइवर घबरा कर उसे ट्रैक्टर को बचाना चाहा, जिसके कारण ट्रक पलट गया। Beep, beep, beep.